ये नजारा है अयोध्या के सरयू घाट का। इतना पावन, इतना भव्य लग रहा था जब 25 लाख दीयों को एक साथ जलाया गया। ये दीपोत्सव इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रामलला के अयोध्या राम मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। सैकड़ों लोग आज की रात और आज के दिन को और ज्यादा खास बनाने में जुटे थे। इस दौरान दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए। सबसे पहले 25,12,585 दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दूसरा 1,121 बटुकों ने एक साथ सरयू आरती कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि ये घोषणा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने की। इसके बाद सीएम योगी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रहण किया, जिससे ये नजारा यादगार बन गया। वाकई अयोध्या के इतिहास में आज के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। केवल रात ही नहीं, अयोध्या में आज सुबह से पूरे शहर में झांकियां और शोभा यात्राएं निकाली गई। आपको बता दें कि आज के दिन 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाए गए। इस दौरान घाट पर हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपने फोन के कैमरों में इस भव्य नजारे को कैद किया। वाकई हर तरफ राम भक्ति की धूम थी, हर तरफ राम भक्तों को देखा गया। जब जय श्री राम के नारे लगे तो ये नजारा और ज्यादा खास और यादगार बन गया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए सीएम योगी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। सीएम योगी ने सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन किए। इसके बाद सबसे पहले रामलला के सामने दीप जलाए, वहीं मंदिर के प्रांगण में भी दीपक को प्रज्वलित किया। ये नजारा बेहद भव्य लग रहा था। दीपोत्सव के दौरान आसमान में ड्रोन से नजारा दिखाया गया, जिसमें रामलला के जीवन के बारे में भक्तों को बताया गया। ये दृश्य बेहद मनमोहक था। हर तरफ राम भक्ति की गूंज थी। वाकई आज पूरी अयोध्या नगरी राम भक्ति में डूबी नजर आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।